Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is KP Sharma. My qualification is Diploma in Medical Laboratory Technology. जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से जैसा आपने टाइटल देखा, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे YouTube चैनल के ऊपर रिलेटेड टू वीडियोज अपलोड होते रहते हैं, DMLT, BMLT, BSc, MLT, और दोस्तों जो भी MLT स्टूडेंट है और जो लैब टेक्नीशियन है, या अगर आप टेस्ट के बारे में इंटरेस्टेड हो जानने के, तो दोस्तों कंप्लीट वीडियोस इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड होते रहते हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ में आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। इस चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BTCT के बारे में। आप देख सकते हैं ये लेंस हेड है, ये स्टॉप वॉच है। दोस्तों आपको इन इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये फिल्टर पेपर है, ये माइक्रो कैपिलरी है। आप देख सकते हैं ऐसी छोटी सी होती है माइक्रो कैपिलरी। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको कौन कौन से आपको ये लेंस हेड स्टेप से आपको राउंड करके घुमाना है। फिर उसके बाद में आपको फिंगर स्टेलाइज करनी है। फिंगर स्टेलाइज करने के बाद दोस्तों आप लेफ्ट हैंड का यूज़ करना है मैक्सिमम। फिर उसके बाद में जो भी आप फिंगर लेते हो, मिडिल फिंगर, फिर उसके बाद में आपको ब्लड इस टाइप से माइक्रो कैपिलरी के अंदर फिल कर लेना है। इस टाइप से स्लोली स्लोली ब्लड माइक्रो कैपिलरी के अंदर फिल हो जाएगा। और फिर दोस्तों आपको ये माइक्रो कैपिलरी ज़्यादा फुल भी नहीं बननी है, आपको इसको थोड़ा सा खाली रखना है, जिस कारण दोस्तों हम ब्लड को रोटेट करेंगे तो हमें इजीली हमें क्लोटिंग टाइम नोट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये दोस्तों जी आपको स्टार्टिंग दिख रहा है, इसे हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। जब भी आप फिंगर प्रिक करें उस समय स्टॉपवॉच होती है आपको उस समय स्टार्ट करना है। मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि फ़ोन इस हाथ में है दोस्तों, तो आपको नहीं दिखा सकता, वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए आपको देखना है। स्टेप से आपको राउंड करना है। फिर उसके बाद में आपको जो फिल्टर पेपर है उसको आपको यूज़ करना है। फिल्टर पेपर के अंदर फर्स्ट ड्रॉप आपको नोट करनी है। जब भी आपका ब्लड फिंगर से आना बंद हो जाता है उस टाइम को हम जो आपको नोट करना है, जब भी आपकी फिंगर से ब्लड बंद हो जाता है तो आपको वो टाइम नोट करना है। फिर वो टाइम होता है ब्लीडिंग टाइम, ठीक है गाइस। फिर क्लोटिंग टाइम क्या होता है वो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेस से बात करेंगे। आप देख सकते हैं इस टाइप से राउंड राउंड आपको घुमाना है, जिस कारण दोस्तों ईजिली आपकी जो फिंगर है वो उससे जब भी जिस पॉइंट पर ब्लड आना बंद हो जाता है आपको नोट कर लें। फिर रीडिंग नोट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये माइक्रो कैपिलरी। अब माइक्रो कैपिलरी के अंदर हमने जो ब्लड लिया है आपको इसको इस टाइप से अप या डाउन करना है। दोस्तों अप डाउन करने से क्या होगा, जो भी ब्लड है इसके अंदर माइक्रो कैपिलरी के अंदर वो किस पॉइंट के ऊपर क्लोट होता है, फिर उसके बाद में हम थ्रेड देखते हैं। दोस्तों कैसे आप इस वीडियो के अंदर बने रहिए। आप देख सकते हैं अभी तक ब्लड क्लोट नहीं हुआ है, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं प्रोसेस जारी है, ब्लड अभी तक क्लोट नहीं हुआ दोस्तों। और थैंक यू सो मच, मुझे आपने इतना अच्छा सपोर्ट किया, हमारे यूट्यूब चैनल को इतना अच्छा सपोर्ट किया। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर 27,000 सब्सक्राइबर की फैमिली हो चुकी है। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन आप सभी का। और दोस्तों अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी तक ब्लड क्लोट नहीं हुआ। जब तक आपका ब्लड क्लोट नहीं होता है तब तक आपको इसको अप डाउन करते रहना है, ठीक है गाइस। जिस पॉइंट के ऊपर ब्लड क्लोट होना रुक जाएगा, ऑटोमेटिक ब्लड इस माइक्रो कैपिलरी के अंदर रुक जाएगा, तो आपको वो उसके बाद में आपको थ्रेड बनाना है। कैसे बनाना है कंप्लीट इस वीडियो के अंदर प्रोसेस में मैंने दिखाया है, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं आपको इंतज़ार करना है और आपको स्टॉपवॉच का बराबर टाइमिंग नोट करना है, ठीक है गाइस। ये नहीं होगा आप स्टॉपवॉच ऑन नहीं करें, स्टॉपवॉच इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। यह टेस्ट OT से पहले करवाया जाता है, या किसी का प्लेटलेट अगर काउंट है तो भी इस टेस्ट को किया जाता है। और दोस्तों आपकी ब्लीडिंग और क्लोटिंग टाइम को नोट करने के लिए भी इस टेस्ट को डॉक्टर करवाता है, ठीक है गाइस। यह OT से पहले मैक्सिमम इस टेस्ट को किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो दोस्तों इसमें मैन्युअली प्रोसेस होता है, कोई भी ब्लड सैंपल नहीं लिया जाता है, केवल एक फिंगर के ऊपर प्रिक किया जाता है। फिर उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं BTCT क्या होती है, BTCT की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों हम नॉर्मल रेंज की भी बात करेंगे कि आखिर नॉर्मल रेंज इसकी क्या होती है, ठीक है गाइस। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर सकते हैं दोस्तों। जो BT की फुल फॉर्म होती है वो होता है ब्लीडिंग टाइम। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 2 से 7 मिनट, ठीक है गाइस। ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है BT की। फिर उसके बाद में CT क्या होता है, वो होता है क्लोटिंग टाइम, ठीक है गाइस। वो होती है 8 से 15 मिनट दोस्तों। आप देख सकते हैं ये अभी लास्ट में माइक्रो कैपिलरी के अंदर हम क्लोटिंग टाइम नोट करेंगे। हमने ब्लीडिंग टाइम नोट कर लिया था उस समय स्टार्टिंग में, जो ड्रॉप आई थी टिश्यू पेपर के ऊपर हमने लिया,
ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में जो माइक्रो कैपिलरी के अंदर आप देख सकते हैं, इस टाइप से आपको ब्लड जब तक बंद नहीं होता है आपको स्टॉपवॉच ऑन रखनी है और इस टाइम को आपको नोट करना है, ठीक है गाइस। जब भी ब्लड स्टॉप हो जाए उस टाइम को भी नोट करना है, जो थ्रेड बनने लग जाएंगे उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीट इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लेकर आऊँ। जब तक दोस्तों आप मुझे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन, आपने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट किया इसके लिए, ठीक है गाइस। और दोस्तों मैं देख सकता हूँ अब हल्का हल्का ब्लड अब रुकने वाला है, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं ब्लड अब रुकने वाला है, मैं आपको बता दूँ। अब दोस्तों उसके बाद अब क्या करना है, दोस्तों मैंने इस वीडियो को क्लिप के अंदर बनाया है इसलिए आप वीडियो के जो टाइम से आप कंपेरिजन नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ यह ब्लड क्लॉट होने वाला है, ठीक है गाइस। ये देख लीजिए आप, ब्लड क्लॉट होने लग गया है, ये पूरी तरह ब्लड क्लॉट हो चुका है, ये अब हिल भी नहीं रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये क्लोटिंग टाइम है, ठीक है। अब आपको ये थ्रेड बनाना है इस टाइप से, गाइस आपको दिखा ये छोटा सा थ्रेड बना है, इस टाइम को आपको नोट कर लेना है। आज के इस वीडियो में बस इतना।